तो उनको तो भावना जगानी कि मैं साथ चावल जुटता हूँ लड़की को, तो कहने मतलब ये कि वो भी नहाना धोना उस हिसाब से, तो उनको केवल इसलिए, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप जो है 90 साल की उम्र तक अगर मंदिर में ही जाते रहेंगे और उस चित्र को ही देखते रहेंगे, आपके सामने एक चित्र, आपने शेर का चित्र या बिल्ली का चित्र या कुत्ते का चित्र, आपको पता है कि चित्र है, तो कहते ये देखो ये भगवान है, भगवान वहाँ नहीं। इसीलिए तो जब चूहा वहाँ से ले रहा था उनका, ये आपका भगवान जो सब कुछ खा रहा है, ये चूहा भी खा सकता है, तो कहने मतलब वहाँ पर एकदम डाइवर्ट होता है। तो वो कबीर की बात में आ जाते हैं, आप साधना पद्धति में आ जाते हैं, और उसके बाद इन सबसे जुड़े रहेंगे, लौकिकता से आप जुड़े रहेंगे, क्योंकि दाना है धरती के पास और आप अपने मन को कमल की तरह ऊपर उठाते चले जाएंगे। भवसागर जितना जल बढ़ता जाएगा आपका मन उसी कमल ऊपर बढ़ता जाएगा, या मैंने जैसे बताया आपको उसको नवनीत बना करके, कोई चिंता नहीं पड़ती। इसलिए पंखा अगर आपने स्विच ऑफ कर दिया तब भी थोड़ी देर घूमेगा, इसलिए अगर आप उस स्थिति में भी होंगे तब भी आप भरेंगे, लेकिन आप अपने को पहचाने। तो ममात्मा सर्वभूतात् अयम आत्मा ब्रह्म। या गुरु तो पहले क्या करते थे, मैं करता तो यही करता कि उन्होंने कहा तत्त्वमसि, तो तत्त्वमसि आया कैसे, तो पहले तो गुरु ने कहा, गुरु के सामने जाते थे उनका अहम ब्रह्मास्मि, नहीं समझ नहीं आया तो 25 साल बाद आना, नहीं सॉरी 12 साल बाद आना, 12 साल बाद आया फिर कहा कि तुम अपि ब्रह्म, फिर समझ में नहीं आया तो उसके फिर 12 साल बाद आया, तब वो आया तो उसने कहा सर्वम खलु ब्रह्म। वो गुरु जो था उसको फॉलोअप करता था कि आप कहाँ हैं क्या है वो जानता था। इसलिए आज हमें ऐसे गुरु उपलब्ध नहीं है, इसलिए आपको ही मनन चिंतन करना पड़ेगा, आपको ही खोजना पड़ेगा, और आप खोजिए। निश्चित है, मेरा विश्वास है कि बजरंग जी जैसे बजरंग बली मेरी नाव चली मेरा बली कर पाती लगा देना, तो ये ऐसा है कि वो ज्ञान की प्रतिष्ठा ऐसी ही होती है। और मैं प्रसन्न हूँ कि मंगल सृष्टि में इस तरह की सृष्टियाँ हो रही हैं, तब इस तरह के सृष्टि का अर्थ है वाइब्रेशन, तरंगें पैदा करना, और अगर आप तरंगें पैदा कर सकते हैं यही इसी का तो पूरा रहस्य है, पूरा खेल ही इसका। गुप्ता ज़्यादा जानते हैं कि ये तरंगे हम कैसे बताए, ये चीज़ें जो हैं, अगर आज से 50 साल पहले जब मैंने कहा, मैं कह देता था क्लास में, तो कहते सर आप कैसे पता लगा, मैंने कहा कि पता लग गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको पता लग जाती हैं, आपके अंदर पूर्वाभास हो जाता है, ये चीज़ और इंट्यूशन। तो आप पूर्वाभास में जाएंगे, जितने आप शुद्ध होते जाएंगे, मन को आप जितना शुद्ध कर लेंगे, जैसे ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ है उसको मिटाना है, जितना मिटा देंगे उतना ही आपका अक्षर क्लीन आएगा, साफ आएगा, और जितना आप उसको साफ करते जाएंगे, सफाई करते जाएंगे, आपके सामने ये स्वयं ही प्रभु सामने आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि प्रकृति से आप जुड़े रहिए और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ते जाइए, और मानव जो है उस पर एक विषय ऐसा है जिस पर एक घंटे बना चाहिए, मनुष्य है क्या, मानव का कर्तव्य क्या है, और आज मानव अपने को कहाँ तक पहचान पाया, ये एक विषय अपने में एक विषय है। तो क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय जी ने तो क्या बताया था, मानवतावाद, एक आत्म मानवता, तो वही चीज़ है जो मैंने आपको बता दिया कि है वही यत् पिंडी तत् ब्रह्मांड। तो आपको इन सब चीज़ों के पीछे चिंतन करते रहना चाहिए, और जितना चिंतन करेंगे, जितना मनन करेंगे, जितना मंथन करेंगे, उतना ही आपको मिलेगा। मैं गुरु से प्रार्थना करता हूँ कि मंगल सृष्टि करते रहे, और ये पता नहीं मंगल को अगर इसका क्या नाम रजिस्ट्रेशन हुआ होता तो मंगल को जन्मे, मंगल करते मंगलमय भगवान, तो जैसा भी है लेकिन मंगल सृष्टि है, और मंगल एक बहुत पावरफुल ग्रह है, मंगल अपने में बहुत पावरफुल है, तो अगर उससे ग्रह से और कनेक्ट हो जाएंगे तो ये सब चीज़ें आपको मिलती जाएंगी जो लौकिकता में आप चाहते हैं, जिसकी खोज आप कर रहे हैं, लौकिकता में ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं कहीं के, क्योंकि आसन शरीर स्थल शुद्धि चाहिए, तो स्थल अपना होना चाहिए ना, स्थल शुद्धि होनी चाहिए, और उसके बाद आसन शुद्धि होगी, तब शरीर शुद्धि होगी, तब मन शुद्धि होगी, तभी तो आप कुछ पाएंगे, इसलिए ये सब आपको प्राप्त हो। और मैं तो अज्ञानी हूँ, इसलिए जो भी आपने कहा, आप सब मेरे गुरु हैं और मैं शिष्य हूँ, अकेला जो आप लोग बोलते तो बड़ा मुश्किल थी, इसलिए मैं अपनी बात कह गया हूँ आपके सामने। अगर कोई आप जो कुछ लगे, मैंने पहले कहा जितना जो कोई आपको अच्छा लगा है तो साथ ले जाइए, बाकी सभी छोड़ दीजिए, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मुझे सुनील जी
कृष्ण पांडे जी के माध्यम से बजरंग जी के दर्शन आते हुए दर्शन करने का सौभाग्य मिला। तो अपने पास 15 मिनट समय है, तो 10 मिनट में कुछ यदि कुछ बात पूछनी हो डॉक्टर साहब के विषय में तो पूछ सकते हैं अंत में। इसके बाद माननीय बजरंग जी के उद्बोधन के साथ हम विषय समाप्त करेंगे। 10 मिनट में हम अगर कुछ मेरे पास एक प्रश्न है, जैसे आपने इतना अध्ययन करा है इन चीज़ों का, लेकिन अभी जैसे मेरी पीढ़ी और मेरे से नीचे वाली पीढ़ी इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। तो मेरी पहले बजरंग जी से बात हुई थी कि हम इस तरह की कोई बुक सीरीज बनाएं, जैसे अमर चित्र कथा ने बहुत अच्छा काम किया है पहले। मेरी इनिशियल जो मेरे को समझ आई इसके बारे में थोड़ा बहुत, वो इससे आया। फिर मैंने इसके बारे में थोड़ा और सोचा कि कहाँ कहाँ पर जो आपने एक और बात कही रहस्य हैं, शुरू की दो लाइनें, सेकंड लाइनें, चाइनीज कैरेक्टर में भी ऐसा कहा जाता है कि एक आपकी रिटन स्क्रिप्ट है जो पब्लिक कंजम्पशन के लिए, और एक सीक्रेट्स हैं जो पास की जाती है। तो अब जैसे हमारे दशा अवतार का एक प्रोसेस है, ये एवोल्यूशन ऑफ डार्विनिज्म से काफ़ी इंटरलिंक्ड है। उन्होंने जो सीरीज बताई है ऑफकोर्स जुरैसिक और उस पीरियड से के बाद की बताई हैं, लेकिन और जैसे हमारे जब यज्ञ होते हैं तो हम भी जम्बू द्वीपें कहते हैं, तो अब द्वीप तो यहाँ नहीं है लेकिन कई साल पहले था भी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो हमें शास्त्रों में दिखती हैं और जो अब साइंस से कन्फर्म होती हैं, इनका भी एक एस्पेक्ट है सनातन धर्म को के प्रचार के लिए कि यही ठीक चीज़ है, बाकी चीज़ें में शायद कुछ अपने अपने लोगों के व्यूज़ हों, यही पवित्र और प्योर माइंडसेट है। इस तरह का मैं एक शायद जर्नल या इस तरह में सोच रहा था कि इस तरह की अगर हम सब बैठ के कुछ सोचें कि क्या चीज़ें ऐसी आ सकती हैं, तो ये मैंने अपना विचार रखा है आपके सामने। सही है, क्योंकि जम्बू द्वीप जो आपने कहा है, उस समय के 7 समुद्र जो थे, 7 द्वीप थे, पर्यावर्तन के ये सब चीज़ें जो हैं और ये थी। अब जो चीज़ें डूब गई, अभी भस्मासुर का जो वायरस मिला है, अब जो लंका में जो चीज़ें मिली, ये सब चीज़ें क्या हैं, हमने खोजा नहीं था। अब आप जैसे जो नवयुवक हैं तो इससे हम जाते हैं तो डायग्नोस कर बता दें यहाँ पर ये है। मैं अभी भी कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि कहाँ पर क्या है, ये खोजा जा सकता है। और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने सबसे पहले यही जो आपके मेरे मन में यही भाव आया था जब मैं 21 साल का था, मैंने पहले केरल में बच्चों के लिए किताबें लिखी, 23 किताबें लिखी हैं। उसमें वाल्मीकि, आप क्या वाल्मीकि के बारे में, मैंने एक नावल, वो उपन्यास है, वो सच्चाई है, वाल्मीकि रत्नाकर से वाल्मीकि बनने का था। तो वाल्मीकि पर, वेद अभ्यास पर, कालिदास पर, अरुण महर्षि पर, क्या नाम आपके झांसी रानी पर, बच्चों के लिए कविताएँ दी, साइंटिफिक उपन्यास भी दिए। तो मनुष्य के अंदर, आप मनुष्य के अंदर प्रवेश करके आप कैसे उसका साक्षात्कार करते हैं, ये मैंने उपन्यास लिखा। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ें जो आप कह रहे हैं, ये चित्रकथा के रूप में हो सकता है और छोटी छोटी बच्चों के लिए रस्य साध्य, क्योंकि बच्चों को ही ये हैं भारत के भावी विद्वान। आप तो फिर भी ऊपर उठ गए, मैं कह रहा हूँ बच्चों से लिए, मतलब आपको ये चीज़ें बच्चों को देनी और बच्चों से इनका रिएक्शन लेना है। तो हम लोगों ने ये भी मतलब किया जो हमने किए हैं मलयालम में किया है, क्योंकि मेरा मैं उस समय वहाँ इस्टेब्लिश हो रहा वहाँ करता कि हम मलयालम बाल साहित्य नहीं है, मलयालम आलोचना नहीं है। तो मैंने पहले बाल साहित्य लिखा, 23 किताबें लिखी, और पहले मैंने संघर्ष किया था, एक सेट बनाया था प्लास्टिक बैग में जो 6 किताबों का था। तो उसके बाद बच्चों, फिर मैंने कालिदास के ऊपर किताब लिखी, फिर आलोचना लिखी, जो चीज़ वहाँ नहीं जो होती, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। अब ऐसे सुनी जी जैसे व्यक्ति या अभिनव जैसे कुछ व्यक्ति हैं जो मतलब बीच बीच में, तो मैं कहता भाई दो हाथ हैं, जब दो हाथ होते तो काम करता, मैं तो बैठा हुआ, मैं तो धुनी रवा बैठा हुआ, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन मुझे आप कम से कम बैठने की जगह तो होगी। आप जो है पूजा लेटरन नहीं करते, पूजा के लिए एक जगह होती है ना, हर चीज़ जो है उसके लिए जगह। ही मैंने कहा कि आप जैसे व्यक्ति जो प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, जो युवक हैं, उनको ये आगे बढ़कर आना चाहिए और ऐसे लोगों से संपर्क करना चाहिए जो आपको कुछ दे सकते हैं। और मैं समझता हूँ बहुत अच्छा आपने कहा, इस पर मैं बोलूँगा तो टाइम समाप्त हो जाए, मैं बोलूँगा नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद। और मैं एक चीज़ कहना चाहता था,
ये तो ठीक है कि अपने यहाँ सत्य मिला जो मनन से तपस्या से, तो कहीं लिंक या ब्रिज हिंदुओं में नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल है। देखिए ऐसा है, एकम सदिप्रा बहुत पूछना शुरू करें, आप जैसे व्यक्ति, मैं आपके बारे में थोड़ा सा सुन चुका हूँ, तो ये सब चीज़ें आपने हार्ड डिस्क इस तरह के जो कंप्यूटर का ये जो और चीज़ें आई हैं, ये कैसे आई हैं? ये माइंड की थॉट वेव्स हैं, और इनको आप करना, ये प्रोसेस थोड़ा सा उसमें है कि है एक, लेकिन उसको खोज जो है वो थोड़ा डाइवर्ट हो, खोज जो है वो थोड़ी सी दूसरे रंग की हो। मतलब ये है कि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जरूरी हैं, लेकिन साइंटिफिक इनका पूरा नहीं, वे साइंस इज द लास्ट वर्ड, फिलोसफी आप, मतलब हमारा थिंकिंग है, हमारा जो प्रोसेस ऑफ थॉट वेव्स है, ये वहाँ शुरू होता है जहाँ साइंस मौन हो जाती है, यहाँ कहते ही नहीं। चाहे इसीलिए हमें आप जैसे व्यक्तियों से, आपसे व्यक्तियों में भावनाएं पैदा की जा सकती हैं, और यू कैन डू वंडर्स, ऐसी चीज़ें निकलेंगी जो लोग दंग रह जाते। ये अभी सुनील जी आप बैठे हुए थे जब आज तक फोन आया था, मुझसे कहा कि आप की रामायण है और आपने 12वीं रामायण लिखी है और आपकी रामायण लंका तक मतलब वही है, उसमें है, आप कुछ आइए सिर्फ। मैंने कहा देखिए मैं टेलीविज़न पर नहीं आऊँगा क्योंकि मैं, मेरा विजन समाप्त हो गया और मैं इनके साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा मैं नहीं आऊँगा और ना मैं इस छोटी जो छोटी चीज़ें हैं जिसे कहते हैं कि पब्लिसिटी, इसका विरोधी फेम अलग चीज़ यस अलग चीज़, वो तब मिलती है जब आपके मनन चिंतन माने कर, जैसे ये इस तरह से यंग व्यक्ति हैं, आप जैसे व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति मिलते हैं तो उनको आप कुछ आइडिया एंड आइडियोलॉजी दे सकते हैं। मैन मस्ट वर्क विद आइडिया एंड आइडियोलॉजी, ए मैन मस्ट हैव आइडिया एंड आइडियोलॉजी एंड डाइव विद इट। तो आइडियोलॉजी आपके अंदर है, मैंने आपसे कहा कि आपके अंदर वो शक्तियाँ हैं, उनको आपको जागृत करना है, तो साइंस से भी आगे बढ़े। साइंस तो कुछ चीज़ें इंडिकेट करती बस, जो ऋषि बताते हैं आ जाओ वहाँ जाओ ये करो, वही चीज़ थी जो आप देख सकते हैं, वो उसके लिए अंतर चक्षु खुलेगा। अंतर चक्षु हर एक आदमी का, न तो कृष्ण ने खोला था, रामकृष्ण ने भी विवेकानंद के कोही के ही अंतर चक्षु खोले और उन्होंने रामकृष्ण मिशन बना दिया और फिर विवेकानंद से फेमस हुए, उनसे भी प्रसिद्ध हुए। इसलिए शिष्य परंपरा में जब शिष्य सच्चे समर्पण भाव से आता है और वो कुछ तपस्या करना चाहता है, पहले गुरु आपकी परीक्षा लेता है, तपस्या करवाता है कुछ, जैसे कृष्ण का दाल चावल और सब मिलाकर उसको उसका खोजो, कॉन्सेंट्रेशन के लिए संदीप ने किया था, तो कॉन्सेंट्रेशन आपको है तो आप जैसे व्यक्ति मैं समझता हूँ देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, और आप कुछ सोचिए इस दिशा में, आपको कुछ गाइडलाइन मिलती जाएगी मिलेगी, और दोनों एक हैं, दोनों एक ही हैं, आप कहीं से भी जाएंगे पहुँचे वहीं पर, सत्य तो एक ही है, बस एक ही सत्य है, और उस सत्य की खोज है, ट्रुथ इज गॉड, और ट्रुथ इज गॉड जो है, मैंने आपको पहले बताते जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रक्टर, वही एक ट्रुथ है, वही सत्य है, वही केंद्र बिंदु है, और उसी केंद्र बिंदु आपको पहुँचना है, और उस केंद्र से आप पाना क्या चाहते हैं ये मुझे, साइंस वाले तो कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और खोजिए, इसलिए उस केंद्र बिंदु पर आप पहुंच सकते हैं, और ये है एक ही, और एक ही जगह पर हम पहुंच जाएंगे, लेकिन उसके लिए हमें बहुत अधिक तपस्या की और ये कहना चाहिए कि ज्ञान की आवश्यकता है, तो वो ज्ञान तो अपने आप आएगा बढ़ेगा, और मैं समझता हूँ कि आपके मन में भाव उठा है तो कुछ ना कुछ होगा इसमें। लेकिन मेरा एक छोटा भी मैं शॉर्ट में रखूँगा, लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये ईश्वर की कॉन्स्पिरेसी हो। देखिए ऐसा है, ईश्वर मैं बताता हूँ, ईश्वर जो है आप समझिए कि ईश्वर तुम जब अच्छी, ईश्वर जो है वो स्वयं ही ये चाहता है कि वो सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी ओमनीप्रेजेंट आप कहते ना, ओमनीपोटेंट है, ओमनीशियंट है और ओमनीप्रेजेंट है, तो वो तो खुद चाहता है कि आप ये सब जाने, वो तो आपको बच्चे आओ तो बाहर निकल के। लेकिन ये जो एक कॉम्पिटिशन है वो माया, हाँ एक स्पष्ट कर दूँ, स्पष्ट कर दूँ, ये चीज़ आपने जो कही वो माया की, जो आप कहना चाहते हैं मैं समझ गया आपकी, वो उनकी कॉन्स्पिरेसी है, वो यह है कि माया को ही दिखाते हैं, इसलिए गीता में कहा माम ये प्रपद्यन्ते माया में एताम तरन्ते, जो मुझको समझता है इससे माया से ऊपर, तो माया तक तो आपको चलाता रहेगा और आपको अपना रहस्य नहीं बताएगा, लेकिन जब आपको देखे ऊपर उठता है तो पूरा रहस्य खोल देता है, जैसे कृष्ण ने अर्जुन के सामने खोला, हरे के सामने नहीं खुलेगा, अभी तो चक्कर लगवाएगा आपसे। हम समझ गए लेकिन किसी और मार्ग पे कोई चल रहा है उसको माया का कॉन्सेप्ट ही नहीं मालूम। नहीं ठीक है, वो जिस मार्ग पे चल रहा है, मैंने कहा प्रकृति और पुरुष, देखिए सांख्य फिलॉसफी में कोई माया नहीं है, प्रकृति और पुरुष है, अंधपंग न्याय है, पुरुष जो है वो अंधा पंगु है,
पुरुष जो है पंगु लंगड़ा है और प्रकृति अंधी है, इससे सृष्टि होती है। तो ये अलग, इसमें भी हम प्रकृति के ऊपर जाएंगे है? अगर आप न्याय और वैशेषिक न्याय, तो दूसरे ढंग से जैसा शिष्य होगा उसी तरह से आपको गुरु, तो वही है जो सर्वव्यापी है, गुरु से कनेक्शन होता है ब्रह्मा विष्णु महेश का। तो वो आप जानते हैं महेश भक्त, तो मैं महेश के रूप में आपको आऊंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां सदैव भजामि, जो जो मुझको जैसे भजता है मैं भी वैसे भजता, आप जिस रूप में मेरे सामने आएंगे मैं उस रूप में आ जाऊंगा आपके सामने। इसलिए ये जो आप देख रहे हैं ये सब खुल जाते हैं। मैंने कहा ना, सब कहते हैं खोलो खोलो, छवि देखूंगा जीवन धन की, आवरण स्वयं बनते जाते हैं। भीड़ लग रही दर्शनी, दर्शनी तो भीड़ है, आप जो कह रहे हैं वो भीड़ है, लेकिन भीड़ में भी आप अकेले होंगे और वो उस अकेले को ही ज्ञान मिलेगा। ज्ञान उसी को मिलेगा जो उसके लिए सच्चा जिज्ञासु हो, जानने की इच्छा हो, कर्म करने की इच्छा हो, और कर्म से भक्ति हो और भक्ति से ज्ञान। इसलिए बड़ा आसान नहीं क्या एक दिन में आपके सामने सारा खुल जाए, तपस्या करवाई जाएगी, तब होगा। अच्छा, गुरु ज्ञान को समझने के लिए आज की बैठक पर्याप्त नहीं है। और मैं तो अज्ञानी हूँ, लेकिन यह है कि कुछ चीजें ऐसी हैं, मैं इनसे कार में कह रहा था मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मुझे पता नहीं। एक प्रश्न है मेरा कि हमने भक्ति के बारे में आपने बताया, लेकिन भक्ति के साथ हमें शक्ति, भक्ति ही शक्ति देती है, भक्ति के साथ शक्ति हट रही है यहाँ पर, वो ठीक है। और जहाँ शक्ति बहुत ज्यादा हो जाए वो भी मुश्किल है, और भक्ति बहुत ज्यादा हो जाए वो भी बहुत बहुत मुश्किल है। भक्ति को अगर जो समझता है सच्चे अर्थों में, जो भक्त है, भज सेवा या भज सेवक होता है, वो कभी शक्ति पर अहंकार नहीं करता। और अहंकार, मैंने पहले कहा जहां अहंकार आपने क्या ओंकार तक नहीं पहुंचते हैं, इसलिए अब भक्ति जो शक्ति देती है उसका आप दुरुपयोग करने लगते हैं, और ये दुरुपयोग जो है आपको उससे हटा देता है, आप अगले स्टेप पर नहीं जा पाते। इसलिए आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि भक्ति हमें देती तो है और हम उस तरह से उसको लेकर के फिर हम फूले नहीं समाते और फिर हम दूसरे हम आगे नहीं बढ़ते। इसलिए तीनों को जोड़ के चलने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। मैंने आपको तीन ट्रिक बहुत सी बताई कि आपको आपको फेथ होना चाहिए, श्रद्धा, और उसके बाद आपको आत्मविश्वास, और फिर सरेंडर। तो वहां सरेंडर हट जाता है, इसलिए वहां पर खतरा आ जाता है भक्ति। अल्टीमेट गोल इज सरेंडर। हां, अल्टीमेट गोल इज सरेंडर। हम तक भक्ति जो है, कोई और एक चीज छोटी सी, मतलब प्रश्न नहीं है, ये जो एक्सपेरिमेंट के आपने जो बताया जो कर रहे थे, वो जो स्विट्जरलैंड में सर कर रही है जो इसको, तो उनका ये है कि जैसे अणु से ये अणु, ये तो वेदों का है ना, अणु तो बहुत बड़ी चीज हो गई, मतलब ये है ब्रह्म के लिए तो अणु और अणु में हो ही नहीं सकता, इससे भी ब्रह्म में दर्शन होगा, इससे भी छोटा होगा, इससे भी छोटा रहा है अणु और अणु ज्ञान। तो वेदों को कह रहे आज नहीं पहले कह दिया था, तुम पहुंच ही नहीं सकते वहां। मैंने कहा बेहतर साइंस इज लास्ट वर्ड, आप कितने भी पहुंच जाए लेकिन अन्यथा शरम नास्ति। हाँ, तो खोज है लेकिन खोज अंत नहीं होगा इसका। हाँ, तो और निकलेगा उसके, और निकलेगा जो पाने का क्षेत्र है ना, समझने का, मेरे को नहीं लगता कि इंटेलिजेंट लोगों को मिला करता है या इंटेलिजेंस कैसे आती है। अपने कभी कहा कि ऐसे ऐसे लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, ज्ञान प्राप्त कर, बहुत बढ़िया बात है। उसकी मैकेनिज्म जो इंटरनल विंडो को जिसे कहा ना फेथ, श्रद्धा, श्रद्धा वहां लगते हैं ज्ञान, अब मैकेनिज्म ही भिन्न है। इसलिए उसकी बिगनिंग जहाँ होती है, जब नॉलेज एंड्स, वो अपने अनेक उपनिषदों में आता ना, माँ आतो शुरू होते हैं, जब वो कहते ना अरे भाई इससे और मत पूछो, वो जो याज्ञवल का आपको जो गार्गी और गायत्री जो संवाद चल रहे हैं, एक एक प्रश्न जो यम चिकित्सा संवाद एक एक प्रश्न वो पूछते हैं, और वो एक एक बात कहते हैं ना और मत पूछ, नहीं तो मेरे को संस्कृत और श्लोक नहीं आते, अरे वो कहता नहीं तो ये मस्तिष्क गिरेगा। भाव क्या है कि मेरे को जो समझ आता है कि जब नॉलेज इज देन यू बिगिन, जब मस्तिष्क सरेंडर, तभी सरेंडर होता है, वरना अहंकार के साथ उस अहंकार की समाप्ति। हाँ, फिर वो इंटरनल जिसको आप जिसको चाहे वो चर्म चक्षु से परे का चक्षु कहें, मेरे को लगता श्रद्धा वो मैकेनिज्म है जो इसको ओपन कर दिया। इसलिए कहीं शास्त्र में वाक्य नहीं है
कौन ज्ञान प्राप्त करे, मेरे को मैंने देखा इंटेलिजेंट रेस ने, तो इसीलिए शायद ये जितना हमारे जो आजकल एक्सपेरिमेंटेशन एजुकेशन पर चल रहा है फेलियर है, तो श्रद्धा शून्य है सारी मैकेनिज्म ऑफ टीचिंग में, तो बहुत बड़ा डिफेक्ट है। तो ये जो आपने कहा नहीं श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, तो उसमें क्या है कि आप जो है ये तो गीता में कहा है बुद्धिस्तु अपरस्तसा, वो जो सा है वो उसके अपर। अब आपके अंदर एक तो आपके पास विवेक बुद्धि, हाँ, तो ये जो है सूर्य अस्त होता है और सूर्य उदित होता है, ऐसा कौन सा सूर्य है जो अस्त नहीं होता, वो है विवेक सूर्य। तो आप डिस्क्रिमिनेटिंग फैकल्टी आपने बताया ना, आप पहुंच सकते हैं कब, जब आपके अंदर सरेंडर आने के बाद, तब आप एक नई चीज आएगी, नई ज्योति आएगी, और वो नई ज्योति जिसको कहना चाहिए वही आपको मार्गदर्शन करेगी, और मार्गदर्शन तभी होगा जब आपका ये जो ज्ञान चक्षु जिसको कहते हैं या अंतश्चक्षु से कहें वो खुले, वो खुलना जो है वो जैसे बता रहे थे कि ये सब जगह पर रहस्य में रखा गया है, रहस्य रखने के बाद गुरु ने दिया है उसको, फिर वो बोला भी है, वो ऋषि उस परंपरा में आ गया है। इसलिए आज जिस टाइम से बात कर रहे हैं ये तो पहले ही कह गया था आप वहाँ तो फेल होंगे, लेकिन आप में से कोई एक आइंस्टीन या कोई एक ऐसा जगदीश चंद्र बसु इस तरह कोई व्यक्ति जो ऐसा हो सकता है वो आगे बढ़ जाए, और वो साइंटिस्ट जो होगा वो अध्यात्म केंद्रित होगा। इसे दोनों हैंड, आपने कहा मुझे अच्छा लगा, ये दोनों ही दे कैन गो हैंड इन हैंड, ये अध्यात्म और ये जो विज्ञान है विशेष ज्ञान जो है वो आपको अध्यात्म जोड़ेंगे तब सोने में सुहागा होगा। इसलिए तो वही कैसे किया जाए, हाँ वो होगा नहीं, वो तो बहुत बड़ा प्रोसेस है, लेकिन हो सकता है वो बड़ा बहुत बड़ा प्रश्न होता है, मतलब इतना बड़ा प्रश्न आपने पूछा, वो तो पूरा ही एक इतना आप समझ गए कि इसको जोड़ करके उसकी गहराइयों में और गहराइयों से गहराई में भी आप जा सकते हैं, और खोज करके आप ऐसी चीज ला सकते हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कोड वर्ड में कि आप असाधारण काम कर सकते हैं कि आप उसमें उसको आपकी इच्छा शक्ति जगाएंगे, और यही मनीषा है, यही मनीषा है, मनीष शब्द के वो इच्छा शक्ति जो डिवाइन डिजायर है, दैट इज कॉल्ड मनीषा। देखिए एक शब्द और मुझे स्पष्ट हो गया कि डिवाइन डिजायर, अगर आपके अंदर एक भाव जागा है उसके नीचे कुछ कुछ डिग्निटी है, और वो आप जितना बढ़ते जाएंगे उतना ही आपको प्रकट होता चला जाएगा। तो अध्यात्म के गूढ़ ज्ञान को समझने के लिए अनपढ़ होना पड़ेगा, पढ़े लिखों का विषय नहीं, देखे ना अक्षर, ये जैसे अपने मीरा जी पढ़ी हुई थी, जरूरी नहीं गुरु नानक जी पढ़े उसको, मैंने कहा मिटा दो, मैंने आपसे क्या कहा वो ब्लैक बोर्ड से मिटा दो उसको, आपको डबल काम करना पड़ेगा, एक आप जो कुछ पढ़ा है वो सब कुछ हटा दो, वो काम करना पड़ेगा। तो कबीर वही है, कबीर और मीरा जो है, मेरी मैं तो प्रेम दीवाने मेरा दर्द न जाने को, सूर्य ऊपर से पिया की केविद मिलना हो तो लव इज गॉड वाली बात है, और जो कबीर है वो दूसरे ढंग से कहता, तो गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु अपने गुरु आपने गोविंद जी होता, तो गोविंद वो दूसरा है, वो संकल्प है, और संकल्प में बड़ी शक्ति है। और आपने जो कहा बहुत अच्छा पॉइंट है कि वो जो पढ़ाया हुआ है उसको सब भूल जाओ, आप बहुत बड़े एम ए पी एच डी हैं, आपने इतनी डॉक्टरेट की है इतना सब, वो सब भूल जाओ। मैंने अभी मेरे को डॉक्यूमेंट्री बनी, मैंने उसमें ये कहा कि मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा है, लिखना जरूर चाहता, मतलब ये कि वास्तविकता ये है, आपने जो सच्चाई पूछी मैंने अभी तक कुछ भी नहीं लिखा, मैं संघर्ष के जो ऑफर आए जिनके मुझे कंपेयर किए से आज है, मैं बोला हूँ कि सुनील पांडे जी की वजह से और बजरंग जी की वजह से, तो मैं जब मुझे कोई कुरेदता है तब मैं बोलता या लिखता हूँ, और मैंने तो इसके बारे में मैंने नहीं लिखा, वो तो मैं निमित्त मात्रम भव सब विसाचन, मैं तो निमित्त बन गया, जैसे अर्जुन को निमित्त बनाया मुझे निमित्त बना दिया, आज भी मैं कहाँ बोला हूँ, मुझे तो निमित्त बना दिया, मैं आपके सत्संग में मैंने भाग लिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी ने रामायण लिखी, इसका संदर्भ जानना चाहता हूँ, कहाँ लिखता हुआ है? ऐसा है कि ये आप जाएंगे एक बहुत ही रहस्यपूर्ण